यूट्यूब में कुछ काम चल रहा है, तो यूट्यूब का जो इंजीनियर्स टीम जो है इसके ऊपर काम कर रहे हैं। हेलो नमस्ते एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज सैटरडे है और अभी मॉर्निंग के 8:30 बजे है, तो मैं बना रही हूँ ब्रेकफास्ट। आज ब्रेकफास्ट में बना रही हूँ ब्रेड बटर और साथ में होगा चाय। ये जो ब्रेड आप देख रहे हो ये मेरे घर के सामने ही आते हैं, बहुत ही फ्रेश ब्रेड है, तो घर के सामने ही देके जाते हैं, तो बहुत सारे लोग घर के लोग लेते हैं तो हमारे गेट के सामने से ही जाते हैं, तो इसीलिए हस्बैंड ने ले लिया है। और ये जो ब्रेड है ये सूखा, अगर सूखा भी आप खाओगे ना थोड़ा सा सेकने के बाद चाय के साथ तो भी अच्छा लगेगा। और मुझे ये ब्रेड मिल्क टी के साथ बहुत अच्छा लगता है, और हस्बैंड तो मैं ब्लैक टी पीते हैं। तो चलिए अभी मैं कुछ बिस्किट को कंटेनर में डाल रही हूँ। ये जो बिस्किट्स आप देख रहे हो ये भी बहुत ही टेस्टी बिस्किट्स है, अनमोल मारी तो बहुत ही टेस्टी होता है। और ये जो रस का आप देख रहे हो ये मतलब क्या बोलूँ, मिल्क टी के साथ इतना अच्छा लगता है ना, तो मुझे तो इतना पसंद है, तो इसलिए मैं सोच रही हूँ कब मैं ये चाय के साथ खाऊंगी। और यहाँ पे ब्लैक टी बना रही हूँ देव के लिए और मेरे लिए मिल्क टी। मुझे तो मिल्क टी पसंद है बट देव को ब्लैक टी पसंद है, तो ये दो तरह का चाय बन रहा है अभी। और यहाँ पे आप देख रहे हैं कितना सारा चाय लिया है, क्योंकि ब्रेड के साथ थोड़ा सा ज़्यादा चाय अच्छा लगता है, और ब्रेड को अगर चाय में डुबो डुबो के खाया जाए तो अच्छा भी लगता है, और चाय भी थोड़ा सा ज़्यादा चाहिए तब, तो इसलिए एकदम भर भर के चाय लिया है। सो गाइस, अभी मैं लंच बना रही हूँ, तो लंच पे मैंने राइस बना लिया है। अभी मैं दाल बना रही हूँ। ये जो दाल मैं बना रही हूँ इसमें मैंने मूली डाला है, तो मूली के साथ जो मटर दाल होता है बहुत ही अच्छा लगता है। तो दाल को मैंने पहले बॉईल कर लिया था मूली डाल के, अभी मैंने दाल में तड़का डाल दिया है। जैसे मैंने अभी डाला है थोड़ा सा धनिया पत्ता और थोड़ा सा चीनी, और तड़के में मैंने डाला था, मैंने जो छौंक डाला था उसमें मैंने डाला था थोड़ा सा 5 फोरन और सूखा लाल मिर्च। तो अभी मैं बनाने जा रही हूँ छाना बोरा की कड़ी, यानी छाना का जो पकौड़ा होता है उसका कड़ी बनाऊंगी। ये दुकान में मिलता है, मिठाई के शॉप में मिलता है, तो बहुत दिन बाद लेके आया है। वैसे तो इतने दिनों तक पनीर खाया है सिर्फ। तो छाना का कड़ी बनाने के लिए मैंने सबसे पहले आलू को फ्राई कर लिया है, जितना आलू मैं डालूंगी कड़ी में। उसके बाद तेल में अभी डाल रही हूँ थोड़ा सा तेज़पत्ता, सूखा लाल मिर्च, जीरा और जो दालचीनी इलायची। तो अभी मैं मसाला पेस्ट डाल रही हूँ। इस मसाला पेस्ट में है टमाटर, ग्रीन चिली, अदरक, और मैंने थोड़ा सा दालचीनी इलायची भी दे दिया है, क्योंकि जो गरम मसाला पाउडर नहीं है तो इसलिए मैंने एक ही साथ में पेस्ट बना लिया है। और अभी मैंने डाला है थोड़ा सा हल्दी पाउडर और थोड़ा सा नमक। तो अभी अच्छी तरह से मसाला को फ्राई करूँगी, और अभी मैंने थोड़ा सा चीनी डाल दिया है। तो मसाला थोड़ा सा फ्राई हो जाए उसके बाद आलू ऐड कर दूँगी, जो आलू मैंने फ्राई करके रख दिया था। तो देखिए मैंने आलू ऐड कर दिया है, तो अभी मैं आलू को थोड़ी देर पकाऊँगी मसाले के साथ। जब तेल छोड़ने लगेगा, देखिए तेल छोड़ रहा है, अभी मैं पानी ऐड करूँगी। तो मैंने थोड़ा सा पानी ऐड किया है, ज़्यादा नहीं, क्योंकि ये जो कड़ी है थोड़ा सा गाढ़ा टाइप का ही बनेगा। तो अभी मैं ढक्कन लगा दूँगी, तो नमक मैंने डाल दिया है, अभी मैं ढक्कन लगा दूँगी। तो ढक्कन लगाने के बाद जब मैं देखूँगी थोड़ा सा नरम हो गया है आलू, तब मैं जो छाना का जो पकौड़ा है वो मैं ऐड कर दूँगी, क्योंकि ये जो छाना का पकौड़ा है बहुत ही जल्दी नरम हो जाता है, तो इसको बहुत पहले से ऐड करने की ज़रूरत ही नहीं है। तो इसलिए जब थोड़ा सा आलू नरम हो जाए उसके बाद ही मैं ऐड करती हूँ। अगर इसमें थोड़ा सा गरम मसाला पाउडर, थोड़ा सा घी ऐड किया जाए तो बहुत ही टेस्टी होता है और फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। तो अभी तो फ़िलहाल घी और गरम मसाला पाउडर दोनों ही ख़त्म हो चुका है मेरे घर पर, तो इसीलिए। तो देखिए चना का जो पकौड़ा वो रेडी है, और ये जो कड़ी है ना, छाना डालना बोलते हैं बंगाली में,
ये बहुत ही टेस्टी बना था, मतलब राइस के साथ इतना अच्छा लगा। अगर आप चाहो तो पूरी के साथ भी खा सकते हो, रोटी के साथ भी खा सकते हो, लेकिन ये राइस के साथ ज़्यादा बेटर लगेगा, या फिर फ्राइड राइस जो होता है मीठा वाला जो पुलाव होता है उसके साथ भी अच्छा लगेगा। तो यहाँ पे देखिए दाल रेडी है और करी भी रेडी है। तो आज मैं और कोई सब्ज़ी नहीं बनाऊंगी, सिर्फ ये बैंगन चोखा बनाऊंगी। और ये जो देख रहे हो थोड़ा सा कटा हुआ है ऊपर से, क्योंकि इसमें थोड़ा सा कीड़ा मुझे लगा, तो जितना खराब था उतना मैंने फेंक दिया है, बाकी का मैंने बना लिया है। बैंगन चोखा बनाऊंगी अभी। देखिए इसके लिए मैंने क्या लिया है, मैंने 4 जो सूखा लाल मिर्च को मैंने जला लिया है गैस के ऊपर ऐसे ही। उसके बाद मैंने थोड़ा सा सरसों का तेल लिया है, मतलब मस्टर्ड ऑयल। उसके बाद लिया है थोड़ा सा चीनी और थोड़ा सा नमक। तो चीनी मैं थोड़ा सा देती हूँ, अगर आप चाहो तो स्किप कर सकते हो। और यहाँ पे आप देख रहे हो मैंने 2 टमाटर को भी लिया है। तो एक साथ ही मैं बना रही हूँ टमाटर चोखा, बैंगन चोखा जो होता है मैं एक साथ ही मैं रेडी कर रही हूँ, अलग अलग नहीं। तो अलग अलग भी अच्छा लगता है, टमाटर चोखा जो होता है वो भी अलग टाइप का टेस्ट होता है, लेकिन मैं आज एक ही साथ में मैंने रेडी कर लिया है। तो देखिए रेडी हो चुका है बैंगन चोखा। और ये जो सर्दी का मौसम आ गया है अभी अभी, तो मैं बार बार ही ऐसा बनाऊंगी। और ये सर्दी के मौसम में मुझे टमाटर चोखा, बैंगन चोखा बहुत अच्छा लगता है, और ख़ास करके गर्मा गर्म राइस के साथ। अगर थोड़ा सा बैंगन चोखा, टमाटर चोखा हो जाए, थोड़ा सा दाल हो जाए तो मेरा खाना हो जाएगा। दाल भी ना हो तो भी चलेगा, सिर्फ बैंगन चोखा टमाटर चोखा से ही मैं खा लूँगी। सिर्फ थोड़ा सा राइस होना चाहिए, तो राइस मुझे बहुत पसंद है, थोड़ा सा ही सही, लेकिन मैं राइस खाना ज़्यादा पसंद करती हूँ रोटी से ज़्यादा। तो अभी हम लंच करेंगे, लेकिन देव बाद में खाएंगे, क्योंकि देव को आने में थोड़ा सा लेट हो जाएगा। और मैं क्या करती हूँ, अगर मैं पहले लंच कर लेती हूँ, अगर मैं देव के साथ लंच नहीं करती हूँ तो मैं क्या करती हूँ, ये मेरा एकदम आदत पड़ चुका है, मैं जो भी बनाती हूँ लंच पे तो पहले मैं देव के लिए उठा के रख देती हूँ ऐसे बॉल में, उसके बाद मैं खाती हूँ। तो यही मेरा आदत बन चुका है, नहीं तो मुझे अच्छा नहीं लगता है। मैं उसके लिए पहले ऐसे उठा के रख देती हूँ, दाल सब्ज़ी जो भी मैं बनाती हूँ सब मैं अलग से उठा के रख देती हूँ, उसके बाद मैं खाती हूँ। तो जब घर पे होते हैं तब तो कोई बात नहीं, तब तो एक साथ लंच करते हैं, तब कोई बात नहीं है। लेकिन अगर घर पे ना हो तो, अगर लेट हो जाए, अगर रात को खाना खाए, तो भी मैं ऐसे ही सारा खाना ऐसे बोल में उठा के रख देती हूँ, उसके बाद मैं लंच करती हूँ। तो चलिए, मैं बचा हुआ खाना हस्बैंड को देना पसंद करती नहीं हूँ। तो यहाँ पे देखिए फ्रूट्स लेके आए हैं, तो देव आ गए हैं, तो मैं उनको मैंने खाना दे दिया है। और यहाँ पे सारे फ्रूट्स को मैंने धो के रख दिया है नीम वॉश से, तो अभी मैंने खाना दे दिया है। देव अभी लंच कर रहे हैं, अभी टाइम हुआ है 3:30 या फिर 4:45 बज चुके हैं। तो मैं यहाँ पे बैठ के एक ऑरेंज खा रही थी, तो खाना खाने के बाद एक फल तो खाना चाहिए। तो यहाँ पे देव खाना खा रहे हैं और मैं उनसे थोड़ा सा बातें कर रही थी, तो एक साथ बातें करती हूँ। वो अब अपना लंच कर रहे थे, तो मैं अभी तो फ्रूट्स खा रही थी, तो मेरा तो लंच कब का हो गया था। तो अभी हम बैठ के थोड़ा सा टीवी देख रहे हैं। टीवी मैं उतना देखती नहीं हूँ, देव को आदत है लंच करने के बाद थोड़ा सा टीवी देखना, डिनर के बाद थोड़ा सा टीवी देखना, ये उनका आदत है। और अभी देखिए वज्रासन में बैठे और मैं उनको ऑरेंज खिला रही थी। तो वैसे तो ढेर सारा फ्रूट्स लेके आते हैं, लेकिन खुद खाते नहीं है, जब तक मैं जब खाऊँ थोड़ा सा मैं उनके मुँह में डाल देती हूँ तभी वो थोड़ा सा खाते हैं। सो फ्रेंड्स, आज मैं उतना कुछ मैं शेयर नहीं कर पाई, और अभी जस्ट मैं आके थोड़ी देर बैठी हूँ और देव टीवी देख रहे हैं, तो मैं भी थोड़ा सा बैठ गई थी। लेकिन ना मुझे उतना टीवी देखने का मन नहीं होता है, उतना अच्छा नहीं लगता है। सारा दिन अगर मैं थोड़ा सा भी मुझे टाइम मिलता है, अगर दोपहर को मैं थोड़ा सा रेस्ट लेती हूँ, तब मैं थोड़ा सा यूट्यूब में जो भी मैं देखती हूँ ना, यूट्यूब में ही देखती हूँ, मुझे यूट्यूब देखना ही पसंद है। तो टीवी देखना मुझे उतना अच्छा नहीं लगता है, तो मैं अगर टाइम मिलता है, अगर मैं कुछ देखती हूँ तो मैं यूट्यूब में ही कुछ देखती हूँ। जैसे मेरे भी पसंद का कोई ब्लॉग चैनल है, तो मैं उन सारे ब्लॉग्स को मैं फॉलो करती हूँ, देखती हूँ, कुछ सीखने की कोशिश करती हूँ। वैसे तो सीखने का कोई अंत नहीं होता है, तो जितना आप सीखोगे उतना ही कम है, तो ऐसा ही है। तो मेरे भी कुछ मेरा फेवरेट यूट्यूबर्स हैं जिनका वीडियोस मैं देखती हूँ और मुझे बहुत अच्छा भी लगता है। और बाकी का जो भी टाइम मैं मुझे मिलता है, तो मैं मेरा खुद का वीडियो एडिटिंग में मुझे लग जाना पड़ता है। वैसे तो एडिटिंग का काम मैं रात को ही करती हूँ ज़्यादातर,
अगर दोपहर को थोड़ा सा टाइम मिलता है तो मैं कर लेती हूँ, लेकिन मैं थोड़ा सा रेस्ट लेना पसंद करती हूँ। दोपहर को मैं थोड़ी देर के लिए सो जाती हूँ, चाहे 1 घंटे के लिए ही हो। तो पहले तो मैं बहुत टीवी देखती थी, बहुत मतलब एक दो सीरियल देखती थी स्टार प्लस में जो होता था, तो मैं नाम नहीं लूँगी, पता नहीं नाम लेने से क्या होगा। तो बहुत सारे ऐसे हैं जो दोपहर को सोते नहीं हैं, लेकिन मैं थोड़ा सा सो लेती हूँ क्योंकि मुझे एडिटिंग का काम करना पड़ता है रात को, तो इसीलिए मैं दोपहर को 1 घंटे के लिए ही सही मैं सो जाती हूँ। और बच्चे भी सोए रहते हैं तो मैं भी थोड़ा सा सो जाती हूँ, अभी तो बच्चे सोए हैं तो मैं इसलिए मैं थोड़ा सा आहिस्ता आहिस्ता बात कर रही हूँ। और पिछले कुछ दिनों से मैं देख रही हूँ, मैं जैसा भी वीडियो डालूँ, चाहे वो ब्लॉग्स हो या फिर कोई अलग टाइप का चैलेंज का वीडियो, भी मैंने 2 डाला है, तो पता नहीं कि उतना ज़्यादा व्यूज़ नहीं आ रहे हैं। शायद इसका कारण मैं सोच रही हूँ, इसलिए ना मेरा मन थोड़ा सा ख़राब हो गया था। तो मैं 2-3 दिन से ऐसे सोच रही हूँ, पता नहीं मुझसे क्या गलती हो रहा है, वैसे व्यूज़ ही नहीं आ रहे हैं उतना अच्छी तरह से। पहले अगर मैं वीडियो डालती थी तो 1-2 दिन में अच्छी तरह से व्यूज़ आ जाते थे, जितना सब्सक्राइबर्स है उस हिसाब से, लेकिन अभी क्या हो रहा है, व्यूज़ ही नहीं आ रहे हैं उतना। तो ना कभी कभी मन बहुत उदास हो जाता है, तो ऐसा लगता है कि इतना मैं मतलब मेहनत करती हूँ, रात को जग जग के मैं वीडियो एडिट करती हूँ, वीडियोस बनाती हूँ, पूरे परिवार को संभालने के साथ साथ में मैं वीडियो शूट करती हूँ आप सबके लिए, उसके बाद वीडियो को रात को एडिट करती हूँ, फिर जाके YouTube में एक वीडियो अच्छा लगता है देखने में। तो मैं सोच रही थी ऐसा क्यों हो रहा है, मतलब ये स्टार्ट हुआ कब से, जब से मैंने, हाँ दिवाली से स्टार्ट हुआ है। तो मैंने सोचा, मैंने तो 1 हफ्ते के लिए ब्लॉग डालना बंद कर दिया था, तो शायद इस कारण की वजह से मेरा जो ट्रैफिक है वो टूट गया है। और वैसा होता है ना, अगर आप एक सीरियल भी देखते हो तो अगर डेली देखते हो तो आपको देखने का मन करता है, बाकी अगर आप 2-3 दिन अगर ना देखोगे तो अच्छा नहीं लगेगा। ऐसा ही है यूट्यूब में जो ब्लॉग्स चैनल है वैसा ही है, अगर आप किसी के ब्लॉग्स डेली फॉलो करोगे तो आपको अच्छा लगेगा। अगर आप 2-3 दिन अगर ब्लॉग्स नहीं देखोगे ना, तो मतलब वो इंटरेस्ट जो होता है वो एकदम खराब हो जाता है। तो ऐसा ही है। और फिर मुझे बाद में पता चला, कल मुझे पता चला कि ये जो हो रहा है व्यूज़ ठीक तरह से काउंट नहीं हो रहा है, तो ये यूट्यूब का ही प्रॉब्लम है, यूट्यूब में कुछ काम चल रहा है, तो यूट्यूब का जो इंजीनियर्स टीम जो है इसके ऊपर काम कर रहे हैं, तो बहुत ही जल्दी ये ठीक हो जाएगा। तो तब मुझे थोड़ा सा अच्छा लगा, चलो ये मेरा कोई फॉल्ट नहीं है, यूट्यूब का ही फॉल्ट है, यूट्यूब में थोड़ा सा काम चल रहा है, यूट्यूब शॉर्ट्स जो चालू हुआ है उसी की वजह से। तो मैंने 1 महीना पहले एक वीडियो में, मैंने 1 महीने का एक वीडियो था जो मैंने 15 दिन पहले एक वीडियो देखा था, जिसमें एक टेक चैनल है उसमें बोला गया था कि ये हो रहा है यूट्यूब शॉर्ट्स की वजह से, व्यूज़ काउंट नहीं हो रहा है ठीक से, कुछ काउंट नहीं हो रहा है। तो मैंने सोचा था ऐसा हो सकता है कभी, तो मुझे ना उतना यकीन नहीं हुआ था, लेकिन कल मुझे एकदम पता चल गया ये यूट्यूब शॉर्ट्स के कारण या फिर ये जो भी हो टेक्निकल फॉल्ट जो हो रहा है यूट्यूब के कारण ही हो रहा है। तो यूट्यूब का जो टीम है वो अभी काम कर रहे हैं इसके ऊपर, तो बहुत ही जल्दी ये ठीक हो जाएगा। तो आई होप ये ठीक हो जाए, नहीं तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरा ही कोई फॉल्ट है, अगर मेरा वीडियो आप सबको पसंद ना आए तो मैं कैसे आगे बढ़ूँगी। तो चलिए, मैंने बहुत सारा बातें कर लिया है आज, तो अभी मैं क्या करूँगी, अभी सबसे पहले मैं नेल पॉलिश पहनूँगी थोड़ा सा। तो गुड इवनिंग गाइस, अभी टाइम हुआ शाम के 6:30 बज चुके हैं, तो मैं अभी बनाऊंगी नूडल्स। तो बच्चों को नूडल्स बहुत पसंद है, तो पतला वाला जो नूडल्स होता है जिसको चाउमीन बोलते हैं वही बनाऊंगी अभी। और गाइस, मैंने नेल पॉलिश नहीं पहना है, मैंने सिर्फ नेल रिमूवर से नेल पेंट को हटा दिया है, तो नेल पेंट हटा दिया है लेकिन मैंने नया नेल पॉलिश नहीं पहना है, क्योंकि मैं ना थोड़ी देर के लिए सो गई थी तो इसीलिए। और वैसे भी अभी तो काम करना ही पड़ता, तो अभी नेल पॉलिश पहन के मैं क्या अभी क्या करती, तो इसीलिए मैंने सोचा चलो ठीक ही हुआ, रात को मैं नेल पॉलिश पहन लूँगी।
तो मैं चाउमीन में डालूंगी थोड़ा सा कैरेट्स और बीन्स, और मैं थोड़ा सा आलू भी डालूंगी। यहाँ पे देखिए चाउमीन बॉयल हो चुका है, इसको मैं अभी ठंडा पानी से धो लूँगी। मैंने सिर्फ थोड़ा सा ऑयल डाल के चाउमीन को बॉयल किया है, अभी मैं पानी से अच्छी तरह से मैंने धो लिया है। और अभी मैं जो गाजर बीन्स काट लूँगी, तेल में थोड़ा सा फ्राई करूँगी, उसके बाद चाउमीन ऐड कर दूँगी। नॉर्मल सा जैसे बनाते हैं वैसे ही मैं बनाऊँगी, और हम तो वेजिटेरियन है इसलिए मैं अनियन गार्लिक ये सब कुछ मैं नहीं डालूँगी, एकदम प्योर भेज चाउमीन जैसा होता है, एकदम प्योर भेज चाउमीन तो वैसा ही मैं बनाती हूँ। तो चलिए मेरे साथ बने रहिए। सो गाइस देखिए चाउमीन रेडी हो चुका है, और ये जो इवनिंग के टाइम ऐसा गर्मा गर्म चाउमीन अगर इस सर्दी के मौसम में मिल जाए तो बहुत ही अच्छा लगता है। तो वैसा ही है, और बच्चों को तो बहुत ही पसंद होता है इस टाइप का खाना, आप तो जानते ही होंगे। तो चलिए इस ब्लॉग को मैं यहाँ पे एंड करती हूँ, नहीं तो बहुत ही लंबा हो जा रहा है ब्लॉग। तो मिलते हैं और एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है। तो बाय बाय, टेक केयर।